बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स, आज हम रेडिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशंस अंडर रेडिकल साइंस इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन होगा, स्क्वायर रूट का साइन होगा, ऐसी इक्वेशंस को हम रेडिकल इक्वेशंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सिक्स, तो ये जो वेरिएबल है उसके ऊपर रेडिकल साइन आ गया है, इसलिए ये रेडिकल इक्वेशन आ गई। रेडिकल इक्वेशंस के हवाले से दो नोट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन है, रूट्स ऑफ रेडिकल इक्वेशंस मस्ट बी वेरीफाइड। ये पहले हम लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व कर रहे थे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। अब हम जब भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमने सबसे पहले जो रूट्स हैं उनको भी वेरीफाई करना है। अब जब वेरीफाई करेंगे, कुछ रूट्स हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे, कुछ रूट्स वेरीफाई नहीं होंगे। तो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, एक्सट्रीनियस रूट्स। दोज रूट्स विच विल नॉट सेटिस्फाई द रेडिकल इक्वेशंस विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रीनियस रूट्स। क्वेश्चन जब करेंगे उसमें जब आते हैं फिर मैं डिटेल से बात करता हूँ। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसमें टाइप वन जो है वो इस तरह की रेडिकल इक्वेशंस आएंगी कि इधर भी लीनियर फैक्टर है, इधर भी लीनियर है, एक लीनियर के ऊपर रेडिकल साइन होगा, दूसरे के ऊपर रेडिकल साइन नहीं होगा। ये पहली टाइप है, इसमें पहले फर्स्ट फोर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर वन से लेकर फोर तक पहली टाइप से रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने लगा हूँ, वो है 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16 होल स्क्वायर रूट। तो ये टाइप वन है कि एक ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, एक के ऊपर रेडिकल साइन है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए ये रेडिकल साइन ख़त्म करना पड़ेगा, फॉर दिस पर्पस स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 2x + 5, इधर भी स्क्वेयर ले लें, और 7x + 16 इधर भी स्क्वेयर ले लें। तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, ए प्लस बी होल स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे ये आंसर आएगा इज इक्वल टू, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया तो आ गया 7x + 16। ये दोनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट साइड पे लें, हमारे पास आ जाएगा 4x² + 20x + 25 - 7x - 16 = 0। क्या किया, ये टू टर्म्स हैं इस साइड पे ऐड हो रही हैं, दूसरी साइड पे ले जाके मैंने माइनस कर दी हैं। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, 4x² 20x में से 7x को माइनस किया तो आपके पास आ गया 13x, और 25 में से 16 को माइनस किया तो 9 = 0। अब मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 9 × 4 = 36, तो ये आ जाएगा 4x² + 4x + 9x + 9 = 0। मिडिल टर्म ब्रेक करना सबसे पहले लेक्चर से आप उनको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। इन दो पेज में से 4x कामन आ गया तो हमारे पास आ गया x + 1, इन दोनों में 9 कामन आ गया तो x + 1 = 0। x + 1 कामन, हमारे पास आ जाएगा 4x + 9 = 0। दो फैक्टर ज़ीरो के इक्वल, इसका मतलब x + 1 = 0 और 4x + 9 = 0। x = -1 और x = -9/4। स्टूडेंट्स, अगर ये रेडिकल इक्वेशन ना होती तो मैं फौरन सॉल्यूशन सेट लिख देता, लेकिन ये चूँकि रेडिकल इक्वेशन है इसके लिए अब हमें इसके जो आंसर्स आए हैं दे आर नोन एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इनको हमने वेरीफाई करना है। तो अब हम वेरिफिकेशन करने लगे हैं। ये जो हमने रूट्स फाइंड किए हैं, सॉल्व किए हैं, x = -1 और x = -9/4, ये दोनों बारी बारी हम गिवन जो इक्वेशन है रेडिकल इक्वेशन उसमें पुट करेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 5
इज इक्वल टू 7x प्लस 16 होल स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करते हैं। 2 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 16 अंडर रूट, तो ये आ गया जी -2 प्लस 5 इज इक्वल टू -7 प्लस 16, ये आ गया 3 इज इक्वल टू ये 9, 16 में से 7 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो क्या है x इज इक्वल टू -1 ये वेरीफाइड हो गया, इसका मतलब है ये इस इक्वेशन का रूट है। अब हम दूसरा लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -9/4, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -9/4 पुट करते हैं, तो 2 इंटू -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 -9/4 प्लस 16 अंडर रूट। अब ये देख लें 2 1 2 2 2 4, तो ये -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू -7 9 63/4 प्लस 16। इस साइड का एलसीएम 2 विल बी आवर एलसीएम, वी विल गेट -9 प्लस 5 2 10 इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा -63 प्लस 64। ये 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। अब 10 में से 9 कर ले 1/2 इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू -9/5, 4 ने भी इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया है, इसलिए जब वेरीफाई हो जाए तब सॉल्यूशन सेट विल बी वो -1 and -9/4। अगर सपोज बॉयज अगर कोई दो साइड्स आपस में इक्वल ना आती तो वो फिर हम सॉल्यूशन सेट में ना वो आंसर लिखते, हम उसको कह देते वो एक्सट्रीनियस रूट है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, तो ये पहली टाइप आज मैंने आपको करवाई है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइप करेंगे।